तो गाइज आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा डिवाइस जो आपकी लाइफ को एकदम आसान बना देगा, और ये डिवाइस है ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक का टाइमर स्विच। इस टाइमर स्विच का आप यूज़ आप घर में कई जगह कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें टाइमर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिन डिवाइस को हमें एक निश्चित टाइम पे ऑन या ऑफ करना है, उन सभी डिवाइसेस में हम इस टाइमर स्विच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एसी में, गीज़र में, और गार्डन में वाटर पंप में, इन सभी डिवाइसेस में इन अगर टाइमर स्विच का यूज़ किया जाए तो ये सभी डिवाइस हम एक निश्चित टाइम पे ऑन या ऑफ करके ऑपरेट कर सकते हैं। हमें किसी अदर पर्सन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी कि कोई हमारे गीज़र को एक निश्चित टाइम पे ऑपरेट करे, या फिर गार्डन में हमें पानी देना है तो वाटर पंप को एक निश्चित टाइम पे ऑन या ऑफ करे। हमें केवल इस टाइमर स्विच का यूज़ करना पड़ेगा और हमारा वाटर पंप एक निश्चित टाइम पे ऑन होगा और ऑफ भी हो जाएगा। तो बिना कोई देर करते हुए हम इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं और इसके सारे फंक्शन समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डिवाइस, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकलेगा। ये हमारा मेन यूनिट, और इसके साथ हमें मिलती है ये यूज़र मैनुअल। तो ये दोनों चीज़ें बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा बॉक्स में। यूज़र मैनुअल में आप देख सकते हैं कि सारे ही कनेक्शंस को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया हुआ है, और सारे जितने भी बटन्स वगैरह हैं इसमें, उन सभी को ऑपरेट करने के लिए पूरे डायरेक्शंस काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टाइमर स्विच। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी रेटिंग दिखाई गई है। इसको एसी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकते हैं, और इस पर 16 एम्पियर तक का लोड हम डाल सकते हैं, मतलब ये 2 किलोवाट तक का लोड आसानी से उठा सकता है। मतलब इसको हम अपने एसी में, वाटर मोटर में और गीज़र में कहीं भी आसानी से फिट कर सकते हैं, मतलब ये से ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीछे के साइड में देखें तो ये प्लास्टिक का ब्रैकेट दिया हुआ है इसको वॉल पे माउंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, फ्रंट में देखने पर टाइमर का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे 2.1 और 2 दिए गए हैं, ये इनपुट के लिए होते हैं। यहाँ पे हमें एसी के इनपुट देना पड़ेगा, और ये नीचे के 3 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, 3, 4 और 5, यहाँ से हमें आउटपुट लेना होता है। फ्रंट में हमें एक विंडो प्रोवाइड की गई है, इस तरह से ये ओपन हो जाती है। ये डस्ट से और वाटर से प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। इसको ओपन करने पे हमें यहाँ पे एक डिस्प्ले दिखाई देती है, जिसमें हमें हमारा टाइमर और टाइम दिखाई देता रहता है। प्रेजेंट में जो दिखाई दे रहा है वो हमें टाइम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये एक इंडिकेटर दिया हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा टाइमर ऑन है या ऑफ है। और कुछ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटन्स दी गई हैं टाइमर सेट करने के लिए। तो इनका यूज़ करके हम टाइमर का टाइम भी सेट कर सकते हैं और अलग अलग प्रोग्राम इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें ये एक बटन दी हुई है जिस पे P लिखा हुआ है, इसको प्रेस करके हम इसमें प्रोग्राम कोई भी सेट कर सकते हैं। दूसरी बटन दी हुई है घड़ी वाली, जिसमें ये घड़ी बनी हुई है। तो इसका यूज़ करके हम इस सबसे पहले इसमें टाइम सेट करेंगे। जब इसमें टाइम सेट हो जाएगा उसी के बाद ही टाइमर सेट करना होता है। एक बटन दी हुई है रीसेट की, इससे हमारे डिवाइस का जो भी प्रोग्राम पहले से इसमें सेव रहता है वो सभी इरेज हो जाएंगे और नया टाइमर सेट कर सकते हैं इरेज करने के बाद। ये मैनुअल की बटन दी हुई है, इसको प्रेस करने से ये हमारा टाइमर 3 तरह से वर्क करता है। जब इसको फर्स्ट टाइम हम पुश करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए शो कर रहा है ऑफ, तो हमारा टाइमर ऑफ हो जाएगा। दोबारा हम पुश करेंगे इसे तो ये ऑटो पे आ जाता है, मतलब हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। और तीसरी बार पुश करेंगे तो ये ऑन, मतलब जो भी डिवाइस इसमें कनेक्ट है वो परमानेंटली ऑन रहेगा, उस टाइम पे टाइमर हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से मैनुअल वाला फंक्शन ये काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन दी हुई है M प्लस की, इसका यूज़ करके हम मिनट सेट कर सकते हैं। H प्लस वाली बटन से आवर सेट करेंगे और D प्लस वाली बटन से डे सेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इन सारे बटन्स के फंक्शन है। तो जब भी हम पहली बार टाइमर का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका टाइम सेट करना पड़ता है। तो टाइम सेट करने से पहले हम अपने डिवाइस को रीसेट कर लेंगे। ये रीसेट वाली बटन किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से इस तरह से पुश करके इसको हम रीसेट कर देंगे। ये देखिए हमारा टाइम यहाँ पे 00 शो करेगा। तो यहाँ पे 00 शो करने के बाद हमें सबसे पहले अपना
टाइम सेट करना पड़ेगा। तो डिवाइस को रीसेट करने के बाद हमें सबसे पहले डिवाइस का टाइम सेट करना होता है, उसी के बाद ही कोई भी हम इसमें प्रोग्राम या टाइमर सेट कर सकते हैं। तो टाइम सेट करने के लिए सबसे पहले हमें, ये देखिए हमारा टाइम हो रहा है 3:21, तो हमें 24 आवर क्लॉक में टाइम सेट करना पड़ेगा। 24 आवर क्लॉक के हिसाब से हो गया 15:21, तो हमें सबसे पहले 15:21 टाइम सेट करना होगा। सेट करने के लिए हमें ये जो घड़ी वाली बटन है इसको पुश करके रखना होगा इस तरह से, और सबसे पहले हम डे सेट करेंगे। जैसे आज डे है सैटरडे, तो सबसे पहले हम डे वाली बटन दबा के, ये देखिए मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे। तो सैटरडे हमने सेट कर दिया है। डे सेट करने के बाद अब हम आवर सेट करेंगे, तो आवर में हमारा हो रहा था 15, तो फिर से ये घड़ी वाली बटन पुश करेंगे और आवर वाली बटन दबाएंगे। ये देखिए आवर चेंज होने लगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 आवर वाला हमारा सेट हो गया। आवर सेट करने के बाद अब हमें मिनट सेट करने होंगे। ये हो रहा है 15:22, तो हम 15:22 सेट कर लेंगे। फिर से हमें घड़ी वाली बटन दबानी होगी और मिनट वाले बटन को दबा के बार बार 22 सेट कर देंगे। अगर हम इसको कंटिन्यूसली पुश करेंगे तो मिनट जो है जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, 19, 20, 21, 22। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइम सेट हो गया है। टाइम सेट होने के बाद ही हम अपना कोई भी टाइमर सेट कर सकते हैं। इसमें हम 20 टाइमर मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, मतलब 20 बार ऑन और 20 बार ऑफ के टाइमर हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम या टाइमर सेट करने के लिए हमें इसकी ये पी वाली बटन को पुश करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो ये देखिए ऑन 1 लिखा आ गया। दोबारा इसी को पुश करेंगे तो आ जाएगा 1 ऑफ, मतलब पहले वाला टाइमर अब हमें ऑफ वाला टाइम सेट करना है। फिर से पुश करेंगे 2 ऑन, फिर से पुश करेंगे 2 ऑफ, मतलब इस तरह से दो टाइमर हमारे सेट हो जाएंगे। फिर से पुश करेंगे 3 ऑन, 3 ऑफ, 4 ऑन, 4 ऑफ, 5 ऑन, 5 ऑफ, तो इसी तरह से पुश करते करते ये आप देख सकते हैं 20 ऑन 20 ऑफ तक आया और फिर से 1 ऑन। तो अब जब हमारा 1 ऑन हो जाता है तो हमें फर्स्ट टाइमर सेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइमर अगर हमें सुबह के 8 बजे का सेट करना है तो हमें सबसे पहले ये पी वाली बटन दबा के इस तरह से 1 ऑन को लाना होगा। फिर उसके बाद हमें डे सेट करना पड़ेगा। डे मान लीजिए हमें सैटरडे को ही सेट करना है, तो जैसे ही हम डे वाली बटन पुश करेंगे, वैसे यहाँ पे देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे डेज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये टाइमर अगर हम यहीं पे सेट कर देंगे, डे को एक ही बार दबाएंगे तो ये सभी दिनों के लिए सेट हो जाएगा। दोबारा पुश करेंगे तो ये देखिए यहाँ से संडे हट गया है, सैटरडे तक का सेट होगा। फिर से पुश करेंगे तो फ्राइडे तक का, फिर से पुश करेंगे तो केवल सैटरडे और संडे का सेट होगा। फिर से पुश करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर से पुश करेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से पुश करेंगे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, फिर से पुश करेंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, फिर से पुश करते हैं, अब मंडे का आया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इस तरह से अलग अलग डेज के कलेक्शन का हम टाइमर सेट कर सकते हैं। तो अभी हमें सेट करना है सैटरडे का, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है सैटरडे। तो अब हम जो भी टाइमर सेट करेंगे वो सैटरडे के लिए सेट होगा। तो यहाँ पे डे तो सेट हो गया, अब डे सेट करने के बाद हमें ऑवर सेट करना पड़ेगा। अब हमें पुश करना पड़ेगा ऑवर वाली बटन को इस तरह से। तो ऑवर में हमें सुबह 8 बजे का टाइमर लगाना है, तो ऑवर को सेट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से देखें ओवर सेट हो गया। ओवर सेट करने के बाद मिनट सेट करने के लिए एम प्लस वाली बटन दबाएंगे तो यहाँ पे मिनट इंक्रीज होने लगेंगे। और क्योंकि हमें 8 बजे का लगाना है तो ऐसा ही छोड़ देंगे 8:00। अगर हमें 8:05 का लगाना है तो मिनट वाली बटन दबाएंगे और इस 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 8:05 सेट हो गया है। तो यहाँ पे ऑन वाला टाइमर सेट हो गया है 8:05 का। अब मान लीजिए हमें 8:10 पे हमें स्विच को बंद करना है या अपने डिवाइस को बंद करना है,
तो हमें ऑफ वाला सेट करना पड़ेगा 8:10 पे। तो हम ये पी वाली बटन को पुश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आ गया वन ऑफ। वन ऑफ आने के बाद हमें डे सेट करना पड़ेगा, तो डे वही होगा सैटरडे का, ये देखिए सैटरडे आ गया। और आवर में 8 तो पहले से ही है, हमें केवल मिनट को इनक्रीज़ कर देना है 6, 7, 8, 9, 10। तो फर्स्ट टाइमर 8:10 पे ऑफ हो जाएगा, तो फर्स्ट टाइमर हमारा सेट हो गया। मान लीजिए हमें एक और टाइमर लगाना है, जो कि लगाना है 9:10 का, तो हम क्या करेंगे, पी वाली बटन को फिर से पुश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 ऑन आ गया, तो मतलब सेकंड टाइमर कितने बजे ऑन होना है वो यहाँ पे सेट होना है। तो इसका डे सेट करना पड़ेगा, अगर हमें सेम डे सेट करना है सैटरडे वाला, तो यहाँ पे हमें ये देखिए सैटरडे आ गया। और किसी और दिन का सेट करना है तो हम यहाँ पे डे वाली बटन को बार बार पुश करके वो वाला डे सेट कर सकते हैं। तो हमें सैटरडे को ही दूसरा टाइमर सेट करना है 9:10 का, तो यहाँ पे डे तो सेट हो गया सैटरडे। अब हमें आवर सेट करना है, ये देखिए 9 हो गया यहाँ पे, और मिनट वाली बटन को सेट करके 9:10, ये 9:10 का सेट हो गया टाइमर ऑन। अब हमें ऑफ सेट करना है 11 का, कि हमारा डिवाइस 9:10 पे ऑन हो जाएगा और 11 बंद हो जाएगा। तो प्रोग्राम वाली बटन को हम पुश करेंगे, अब आ गया 2 ऑफ, सेकंड टाइमर कितने बजे ऑफ होना है। तो इसके लिए डे सेलेक्ट करना पड़ेगा सैटरडे, ऑवर, ऑवर वाली बटन से ऑवर सेट करेंगे 10, और ये हो गया 11, 11:00 ही सेट करना है। तो यहाँ पे हमें 00 लाना पड़ेगा, इसको पुश करेंगे कंटिन्यूसली दबाए रखेंगे तो टाइम जल्दी जल्दी बढ़ेगा। और ये हो गया 11, तो 11:00 अलार्म ऑफ सेट हो गया। अगर इसको हमें इससे एग्जिट होना है तो ये वाली बटन पुश कर देंगे, हम बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है 15:29 अभी का, और हमारा टाइमर सेट है सैटरडे 8:05 का पहला टाइमर, और ये ऑफ कितने पे होगा 8:10 पे। फिर से पुश करेंगे तो हमें सेकंड टाइमर शो करेगा, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 9:10 पे सेकंड टाइमर ऑन हो जाएगा। फिर से पुश करेंगे पी को, तो हमें शो कर रहा है कि सेकंड टाइमर 11:00 ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी तो 2 टाइमर केवल सेट करके दिखाए, इस तरह से हम 20 टाइमर पूरे सेट कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर डे नहीं, वीक के अलग अलग डेज में भी सेट कर सकते हैं। जिस डे को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे वो टाइमर उसी दिन के लिए होगा, अगर हम सारे डेज एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो टाइमर सभी दिनों के लिए सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने तो केवल सैटरडे का सेट किया है, तो इसलिए केवल ये टाइमर सैटरडे वाले दिन ही वर्क करेगा। तो इस तरह से हम इसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं और टाइमर को सेट कर सकते हैं। आई होप आपको टाइमर और टाइम दोनों ही सेट करने आ गए होंगे। अब हम आगे इसके कनेक्शंस देखते हैं कि किस तरह से कनेक्शन करने होंगे और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है वो देखते हैं। चलिए इसके कनेक्शंस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये नीचे के 3 पॉइंट हो गए स्विच के और ये ऊपर के 2 पॉइंट, ऊपर के दोनों पॉइंट पे ये लाइव और न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिए गए हैं। लाइव वायर को यहाँ के पिन नंबर 2 से ले जाके पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर दिया गया है, और जो भी हमें इस पे अपना लोड डालना है, मतलब जिस डिवाइस को भी इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है, उस स्विच के दोनों वायर, एक वायर जो है पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया गया है और दूसरा वायर उसका न्यूट्रल पे कनेक्ट किया गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी हमें अपना कनेक्ट करना है वो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्ट हुआ है, उसका एक वायर जुड़ा हुआ है पिन नंबर 4 पे और दूसरा वायर न्यूट्रल वाले पे कनेक्ट कर दिया गया है। ये कनेक्शन करने के लिए एक हमें पावर केबल की ज़रूरत पड़ेगी इसको एसी मैन से कनेक्ट करने के लिए, और ये लोड की जगह पे मैं ये बल्ब ले रहा हूँ, इसी को मैं इसमें कनेक्ट करके बताऊँगा किस तरह से ये टाइमर के अनुसार ऑन या ऑफ होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 वायर यूज़ हो रहे हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो ये रेड वाला हमारा लाइव वायर होगा और ब्लू वाला न्यूट्रल वायर होगा। तो इन दोनों को हम टाइमर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 एंड 0.2, इन दोनों पॉइंट पे हमें इन दोनों को
ये रेड और ब्लू वायर को कनेक्ट करना होगा। ये पिन नंबर वन है, इसमें मैं न्यूट्रल वाला वायर कनेक्ट करता हूँ। और पिन नंबर टू में ये लाइव वाला वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पावर केबल के कनेक्शन हो चुके हैं। अब ये कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होता है, एक एक्स्ट्रा वायर लेना है इस तरह से, और इस वायर का एक सिरा पिन नंबर टू पे कनेक्ट करना होगा और दूसरा सिरा पिन नंबर थ्री पे इस तरह से कनेक्ट करना होगा। इसका एक सिरा पहले मैं पिन नंबर टू पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए इन दोनों तारों को एक साथ में ज्वाइन कर देता हूँ और इकट्ठा ही दो नंबर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दो नंबर वाले पॉइंट में इस तरह से ये लाइव वायर भी कनेक्ट है और ये ग्रीन वाला एक्स्ट्रा वायर भी कनेक्ट है। और इस ग्रीन वायर के दूसरे सिरे को आप नीचे की तरफ देखें, ये तीन नंबर पॉइंट इसमें कनेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ। अब हमारे ये मेंस के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें लोड के कनेक्शन करने हैं। लोड मतलब ये बल्ब के कनेक्शन। ये बल्ब भी इस टाइमर की कमांड से ऑन और ऑफ होगा। तो इसके कनेक्शन करने के लिए ये इसका जो येलो वाला वायर है ये न्यूट्रल में रखना होगा और ये लाइव वायर में कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको चाहें तो हम डायरेक्ट एसी मेंस से न्यूट्रल दे सकते हैं, और यहाँ पे हमें आसान पड़ेगा, मैं इस ब्लू वाले वायर मतलब जो कि हमारा न्यूट्रल है यहीं पे कनेक्ट कर दूंगा, जिससे इसे न्यूट्रल मिल जाएगा। तो इसको मैं इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे बल्ब का एक वायर इस न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया है। अब हमें बल्ब का दूसरा वायर कनेक्ट करना है, और ये दूसरे वायर के लिए नीचे दो पोर्ट खाली हैं, एक ये पोर्ट नंबर 4 और ये 5। तो अगर हम 4 नंबर में कनेक्ट करते हैं, ये एनो पॉइंट होता है, मतलब नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन का मतलब अगर मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा तो बल्ब हमारा ओपन सर्किट पे रहेगा। ओपन सर्किट का मतलब होता है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब टाइमर ऑन होगा उसी कंडीशन में बल्ब जलेगा, और जब टाइमर ऑफ हो जाएगा बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। और ये पिन नंबर 5 जो है ये एनसी पॉइंट होता है, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है और ये बल्ब जो है लगातार जलता रहेगा और टाइमर के अनुसार ही बंद होगा। तो इसे मैं पिन नंबर 4 पे कनेक्ट करता हूँ, बाद में 5 पे भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे पिन नंबर 4 में मैंने इंसर्ट किया और इसको टाइट कर दिया। तो ये हमारा बल्ब जो है पिन नंबर 4 में कनेक्ट हो गया। अब हमें बस इसमें पावर सप्लाई देना बाकी रह गया। तो फ्रेंड्स, मैंने इस टाइमर के प्लग को एसी मेंस में कनेक्ट कर दिया है और ये बल्ब के भी सारे कनेक्शन हो गए, तो वो तो मैंने बता ही दिया सारा। अब इसके केवल स्विच ऑन करना बाकी है, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ये मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर देता हूँ। तो अब हमें केवल टाइमर को सेट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम हुआ है 15:30 और डे है सैटरडे। तो मैं पहला टाइमर लगाता हूँ 15:35 का ऑन पे और 15:37 ऑफ पे। तो टाइमर सेट करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले प्रेस करना होता है पी वाली बटन को। तो पी वाली बटन प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमें डे सेट करना होगा। यहाँ देखिए डे पहले से ही सेट है, सैटरडे। तो चाहे तो आप डे वाली बटन को पुश करके डे चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हमें सैटरडे का ही लगाना है तो इसको चेंज नहीं करते हैं। आवर वाली बटन को पुश करके हम आवर चेंज कर सकते हैं। तो हमें टाइमर लगाना है 15:35 का, तो यहाँ पे लाना होगा हमें आवर में 15। ये देखिए 15 आ गया, और टाइमर लगाना है 15:35 का। तो मिनट में अभी 55 है तो हमें 35 का सेव करना होगा। तो यहाँ पे इसको पुश करेंगे, लाना है 35, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये आ गया 35। तो हमारा पहला टाइमर 15:35 का सेव हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ऑन लिखा हुआ है।
अब हमें ऑफ सेव करना है 37 पे, तो एक बार ये पी वाली बटन फिर से पुश करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया 1 ऑफ। तो अब हमें ऑफ सेव करना है 15:37 पे, तो 15 तो पहले से ही है, डे भी सैटरडे है, तो हमें केवल मिनट सेट करना होगा 37 के लिए। ये आप देख सकते हैं 37 का सेट हो गया, ये हमारा पहला टाइमर ऑन और ऑफ दोनों सेट हो गया। अगर हमें एक और टाइमर इसमें सेट करना है, मतलब एक और प्रोग्राम सेव करना है जिसमें कि हमारा ऑन होता है मान लीजिए 15:38 पे, तो हमें एक और टाइमर सेट करने के लिए फिर से हमें ये बटन पुश करनी होगी इस तरह से, और आप देखिए 2 ऑन लिखा आ गया, मतलब सेकेंड टाइमर ऑन के लिए। तो मान लीजिए ये मैं सेट कर देता हूँ 15:38 के लिए, तो इसके लिए हमें पुश करना होगा ओवर वाली बटन को, डे तो पहले से ही सेट है सैटरडे, ओवर से लाना होगा 15, ये हो गया 15, और मिनट करना होगा 38। तो ये 15:38 पे दूसरा टाइमर ऑन का सेट हो गया। अब हमें दूसरा ऑफ सेट करना होगा, वो भी मैं 2 मिनट बाद का सेट कर देता हूँ 39 का, तो इसको एक बार पुश करना होगा। अब ये देखिए 2 ऑफ लिखा आ गया, तो दूसरा वाला हमें करना होगा 15:39 पे सेट। तो डे तो सैटरडे इसमें भी सेट है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑवर सेट करने होंगे 15, ये देखिए 15 आ गया। अब हमें मिनट सेट करना होगा 39, 28, 29, 30, 37, 38, 39, तो ये हमारा 15:39 पे सेकेंड टाइमर ऑफ का सेट हो गया। और हमें एग्ज़िट होने के लिए ये घड़ी वाली बटन दबा देनी होती है। तो ये हमारे दोनों टाइमर सेट हो गए। अभी देखिए 15:34 टाइम हो रहा है, 24 सेकेंड है, तो मैंने पहला टाइमर लगाया था 15:35 का, तो देखिए 15:35 जैसे ही होगा वैसे ही ये बल्ब जल जाना चाहिए। तो देखते हैं, वेट करते हैं 15:35 पे बल्ब ग्लो होता है या नहीं। 47 सेकंड हुआ, 48, 49, 50, शायद आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा सेकंड का चेंज होना। ये देखिए जैसे ही 15:35 हुआ वैसे ही बल्ब हमारा ग्लो होने लगा। अब आप टाइमर देखिए, इसमें 15:35 क्लियरली टाइम शो हो रहा है, और मैंने ऑफ का टाइमर लगाया था 15:37 का, तो अब जैसे ही इसमें 15:37 होगा वैसे ही हमारा बल्ब ये ऑफ हो जाएगा। मैं कुछ टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे 15:36 हो गया है, बस कुछ टाइम और रह गया ऑफ होने में। जैसे ही 15:37 होगा वैसे ही टाइमर ऑफ हो जाएगा, मतलब बल्ब जलना बंद हो जाएगा। 57, 58, 59, ये देखिए जैसे ही 15:37 हुआ बल्ब अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब मैंने नेक्स्ट टाइमर लगाया था 15:38 का, तो आप देखिए अभी 37 हो रहा है, 15:37, तो जैसे ही 15:38 होगा वैसे ही बल्ब सेकंड टाइमर की कमांड से फिर से ग्लो हो जाएगा। 8, 49, 50, बस 10 सेकंड बाकी हैं बल्ब दोबारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेकंड टाइमर 15:38 का ऑन का लगाया था। ये देखिए जैसे ही 15:38 हुआ वैसे ही बल्ब फिर से ऑन हो गया, और सेकंड ऑफ लगाया था मैंने 15:39 का, तो 15:39 पे ये फिर से बंद हो जाएगा, मतलब 1 मिनट बाद। आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा इसे चेक करने के लिए कि सेकंड टाइमर पे ऑफ होता है नहीं। 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, बस टाइम होने ही वाला है, जैसे ही यहाँ पे 60 सेकंड कंप्लीट होंगे वैसे ही बल्ब बंद हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमारा यहाँ पे 15:39 हुआ वैसे ही बल्ब बंद हो गया। तो ये टाइमर बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क करता है। इसमें एवरी डे 1 सेकेंड की प्लस माइनस डिले हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है, शायद ही ऐसा हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इसकी वर्किंग
उस टाइम पे देखी थी जब ये बल्ब का ये वाला वायर इस एनओ वाले पोर्ट में कनेक्ट था। अब मैं ये वाला वायर इस एनसी वाले पोर्ट में कनेक्ट करके बताता हूँ कि टाइमर कैसे वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने अब ये वाला बल्ब का जो दूसरा वायर था वो मैंने एनसी वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया था। अभी इससे पहले इसमें कनेक्ट था, अब मैंने कर दिया है इस वाले में कनेक्ट। ये वाला पॉइंट होता है एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, तो इसमें सर्किट जो होता है नॉर्मली क्लोज मिलता है। तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा बल्ब जलता हुआ मिलेगा हमें। तो ये देखिए मैं ऑन करता हूँ इसे, तो बल्ब इस समय ऑन रहेगा मतलब सर्किट क्लोज है। क्लोज सर्किट का मतलब होता है करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम जो भी टाइमर सेट करेंगे वो इसको ऑफ करने के लिए होगा, मतलब जो भी कमांड जनरेट करेगा ये टाइमर स्विच वो इस बल्ब को ऑफ करने के लिए जनरेट करेगा। तो इसमें हम टाइमर सेट कर लेते हैं, अभी टाइम हो रहा है 15:42। तो प्रोग्राम वाली बटन को पुश करते हैं तो सबसे पहला टाइमर वन ऑन सेट कर देते हैं। अभी टाइम क्या हुआ था 15:42, तो इसमें सेट कर देते हैं 15:45 का, 15:45 का सेट करेंगे। ये 15 तो हो रहा है, मिनट से कर देते हैं 36, 37, 38, 39, 41, 42, ये 15:45 पे ऑन। तो ऑन का मतलब हुआ हमारा टाइमर वर्क करने लगेगा। किस बात के लिए वर्क करेगा? इस बल्ब को ऑफ करने के लिए। तो मतलब टाइमर ऑन हो जाएगा, टाइमर ऑन का मतलब है बल्ब ऑफ करने के लिए टाइमर ऑन हो गया। और 15:46 पे इसे ऑफ करने के लिए सेट कर देते हैं दूसरा। तो इसे एक बार और पुश करना होगा, ये देखिए वन ऑफ आ गया, इसको सेट कर देते हैं 15:46 पे। ये देखिए 15:46 पे ऑफ के लिए सेट हो गया। तो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अब हम चेक भी कर सकते हैं, अभी हो रहा टाइम 15:43 और ये देखिए टाइमर हमारा सेट है 15:45 का और दूसरा 15:46 का। इससे एग्जिट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स टाइम होने ही वाला है 15:44 और 53 सेकंड हुआ है। जैसे ही यहाँ पे 15:45 होगा बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। ये देखिए 15:45 पे ऑफ हो गया और जैसे ही 15:46 होगा तो बल्ब हमारा फिर से ग्लो होने लगेगा। ये यहाँ पे देखिए जैसे टाइमर हमारा वर्क कर रहा है उस टाइम पे ये इंडिकेटर जलने लगता है। ये देखिए ऑन वाला इंडिकेटर जलने लगा, इसका मतलब टाइमर हमारा इस समय वर्क कर रहा है। तो इस समय टाइमर किसके लिए वर्क कर रहा है? इस बल्ब को ऑफ करने के लिए। टाइम होने ही वाला है 47, 48, 49। जैसे ही यहाँ पे 46 होगा वैसे ही बल्ब हमारा फिर से ग्लो होने लगा और टाइमर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रेड LED जल रही है और ये जैसे ही आप देखिए 15:46 हुआ वैसे ही बल्ब ग्लो होने लगा। अब ये कॉन्टिन्यूसली ऐसा ही जलता रहेगा, हमारा टाइमर जो इसका फंक्शन था वो उसने कर दिया, क्योंकि मैंने टाइमर लगाया था 15:45 पे ऑन होने का लगाया था, 15:46 पे ऑफ होने का लगाया था। तो बल्ब हमारा 15:45 पे ऑफ हुआ और 15:46 से फिर से ग्लो होने लगा। तो इस वाले पॉइंट का फंक्शन यही होता है। नॉर्मली हम 4 वाले पॉइंट का यूज़ करते हैं, इसका बहुत ही रेयर केस में यूज़ करते हैं। तो हमारा टाइमर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक वालों का बहुत ही अच्छा डिवाइस है ये, और आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। जय हिंद जय भारत।